मुक्तिबोध पर पीएचडी उनकी जो पुस्तक है मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक, ये उनकी इनका शोध है और बेहतरीन गद्य है वह। इसके अलावा उन्होंने मराठी भाषी दिलीप चित्रे की कविता का अनुवाद किया है जिसका शीर्षक है बिसाठी का बुर्ज, और उनका भक्त कवियों से विशेष रिश्ता रहा है, विशेष रूप से मराठी संत कवियों से उनका एक गहरा रिश्ता रहा है। संत तुकाराम के अभंगों का उन्होंने अनुवाद भी किया है। इन संदर्भों के साथ आप देखें कि लगभग 6 दशकों में उनकी पूरी यात्रा कविता की फैली हुई, और इन 6 दशकों में उन्होंने जिस तरह से रचनाएं रची उसमें उनको अनेक पुरस्कार भी मिले, जिसमें पत्थर फेंक रहा हूं, जिसमें 2012 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला। क्योंकि किसी रचनाकार के लिए उसके बड़े होने का पैमाना पुरस्कार नहीं होता, ये बात सत्य है। और इन संदर्भों के साथ बातचीत करते हुए आप देखें कि यह विस्तार से जो कविता की पूरी यात्रा है चंद्रकांत देवताले की, उसमें 1973 से लेकर 2011-12 तक एक पूरी विपुल काव्य यात्रा उनके यहाँ दिखाई देती। यह बात सही है कि अपने पूरे व्यक्तित्व में वह पूरेपन के साथ कवि हैं, और कविपन के साथ, कवि मन के साथ वो जो रचनाएं रचते हैं उसमें हड्डियों में छिपा ज्वर 1973 में, दीवारों पर खून से 1975 में, लकड़बग्घा हंस रहा है 1980 में, रोशनी के मैदान की तरफ 1982 में, भूखंड तप रहा है 1982 में, आग हर चीज में बताई गई थी 1987 में, पत्थर की बेंच 1996 में, उसके सपने 1997 में, इतनी पत्थर रोशनी 2002 में, उजाड़ में संग्रहालय 2003, जहां थोड़ा सा सूर्योदय होगा 2008, पत्थर फेंक रहा हूं 2011, और इसके साथ ही जहां थोड़ा सा सूर्योदय होगा आकाश की जात बता भैया। ये जैसी जैसे काव्य संग्रह उनके हैं, जिसमें से बहुत महत्वपूर्ण अगर प्रस्थान बिंदु पर बातचीत करें, जिन काव्य संग्रहों की चर्चाएं खूब हुई हिंदी साहित्य में, उसमें लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, आग हर चीज में बताई गई थी, और पत्थर फेंक रहा हूं, ये संग्रह विशेष रूप से चर्चित रहे। क्योंकि पूरी काव्य यात्रा में अगर बातचीत करें तो एक समृद्ध काव्य यात्रा है चंद्रकांत देवताले की। इन संदर्भों पे बातचीत करते हुए जब हम चंद्रकांत देवताले के काव्य परिवेश की पड़ताल करते हैं, उनके कविता के संदर्भ की बातचीत करते हैं, उनकी जो रचना दृष्टि कैसे किस तरह से पक्षधरता करते हैं किन चीजों के बारे में, तो स्पष्ट है कि चंद्रकांत देवताले एक ऐसे कवि हैं जिनका जीवन का अनुभव और जीवन विवेक और उसकी संवेदना बहुत व्यापक है। और इस व्यापक धरातल पर अगर आप बातचीत करें चंद्रकांत देवताले के कविताई पर, तो आपको लगेगा कि वो अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बातचीत करते हैं अपनी कविताओं में। बड़ी दिलचस्प की कविता है, मैं कोट करता हूँ, उससे आप समझ सकते हैं कि एक कवि अपनी कविता को किस तरह से रचना चाहता है। दीवारों पर खून से उनका काव्य संग्रह है, उसी में एक कविता है रचना प्रक्रिया, उस पर उसकी पंक्तियां कुछ यूं हैं कि एक नदी में नहा कर आता हूं और कभी जलते हुए मैदान को लेकर भागता हूं, आकाश के 10 टुकड़े उछालता हूं, और एक ही सड़क पर एक ही समय में एक साथ सूरज और अंधेरे को पुकारता हूं, हाथों में होते हैं अर्थ पारे की तरह और शब्द रेत की मानिंद, मैं रोकना चाहता हूं पारे को रेत में और फिर रेत को अपने ही भीतर। आप ध्यान दीजिए कि एक कवि अपनी चेतना में कैसे अपनी स्थानीयताओं की बातचीत करते हुए वह प्रकृति की बात करता है, वह सूरज की बात करता है, वह आग की बात करता है, रोशनी की बात करता है, पत्थर की बात करता है, रेत की बात करता है। और खासियत यह है, ये चंद्रकांत देवताले अपने समय के इस मायने में भी विशिष्ट कवि हैं कि उनकी कविता में आपको तमाम सारे छोटे छोटे प्रसंगों के साथ एक वैश्विक विस्तार कविता का मिलता है, एक विश्व दृष्टि जिसमें प्रकृति उसके केंद्र में है, प्रकृति की संस्कृति उसके केंद्र में है, और वह मनुष्य के प्रकृति के साथ जो संबंध है उसका जो एक उदात्त आशय है, उदात्त जो चेतना है उसके साथ वो संबंध उसमें जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन
इस सबके बीच में वह सभ्यता से जो उनका संवाद है, उस संवाद के साथ वह बेहद प्रतिबद्ध रूप से हमारे सामने नजर आते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि उनकी कविता में ये जो फैलाव है प्रकृति का, जो विस्तार है, वो कई बार बिंबों की अधिकता पैदा करता है। जाहिर सी बात है, इससे उनकी कविता में जो यथार्थ का रूपायन है उससे वो बाधित भी होता है। बहुत कुछ सत्य भी है यह, लेकिन हर कवि की अपनी शैली होती है और हर कवि का अपना दायरा होता है बातचीत करने का, उससे उससे संवाद करने का। और इन संदर्भों में अगर बातचीत आप करें तो स्पष्ट होता है कि चंद्रकांत देवताले की कविता का जो प्रदेश है वह मालवा, उसकी धरती या उसका विस्तार, मध्य प्रदेश, इंदौर, इन सारे चीजों के साथ जुड़ते हुए आप ध्यान दीजिए कि उनके बारे में बहुत सारे आलोचकों ने अपनी अपनी तरह से टिप्पणियां की। और उन टिप्पणियों में ये कहा जाता है कि उनकी कविता को कई बार उन पर आरोप भी लगाया गया है और ये भी बताया गया है कि उनकी कविता विचारधारा को लेकर जो एक विस्तार होना चाहिए वह उनकी कविता में कमतर दिखाई देता है, यथार्थ उनकी कविता में कमतर रूपायित हो पाता है। तो मुझे लगता है उन संदर्भों के साथ अगर आप बातचीत करें चंद्रकांत देवताले की कविता की पड़ताल करते हुए, तो आपको लगेगा कि एक विशेष संदर्भ को लेकर कविता में जब हम चीजों को रूपायित करते हुए उसका मूल्यांकन करते हैं तो सारी चीजें व्यापकता से नहीं दिखाई देती। बाद के कवियों में जो उनके सहवर्ती कवि भी हैं और बाद के कवि, राजेश जोशी ने उन पर लिखा है, उन पर अशोक वाजपेयी ने लिखा है, उन पर वीरेन डंगवाल ने लिखा है। मैं आपके सामने वीरेन डंगवाल की कुछ पंक्तियां उनके लिए जो उन्होंने लिखी हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कबाड़खाना ब्लॉग में उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा लेख उनके ऊपर लिखा है और उसमें उनकी जो कवि दृष्टि है वह रूपायित होती है, वह दृष्टि स्पष्ट होती है। चंद्रकांत देवताले के बारे में लिखते हुए वीरेन डंगवाल कहते हैं कि एक मायने में देवताले परिध के कवि हैं, हाशिए के नहीं, परिध के। निम्न मध्यवर्गीय जीवन, रोजमर्रापन का सौंदर्य, वंचना का प्रतिरोध और सत्ता केंद्रों से भौतिक और आत्मिक दूरी, इन सब के कारण प्रचुर और वैविध्यपूर्ण रचनात्मकता के बावजूद आलोचना के केंद्रमुखी समुदाय ने परिधि के केंद्र, परिधि के इस कवि को खास तवज्जो नहीं दी। लगभग समवर्ती धूमिल और तत्काल अग्रज रघुवीर सहाय की तुलना में देवताले की यह उपेक्षा इसलिए भी थोड़ी अटपटी है क्योंकि उनकी कविता भी स्वातंत्र्योत्तर भारतीय नागरिक और उसके समाज के जीवन की विडंबनाओं का बखान है। इस नागरिक के बाहरी और भीतरी, निजी और सार्वजनिक दोनों ही संसार एक ही डाल के दो सुपर्णों की तरह देवताले की कविता में अपने पंख फड़फड़ाते हैं, कभी अलग और कभी एक साथ। बहुत खूबसूरत उनकी कवि दृष्टि पर यह टिप्पणी है। और इस टिप्पणी के बारे में एक खास चीज ये है कि वह उनको परिधि का कवि कहते हैं और उस परिध के कवि के रूप में जब उनको याद करते हैं, ध्यान रखिएगा, हास्य के कवि के रूप में नहीं, परिध के कवि के रूप में, तो उनकी पूरी काव्य के वैविध्य के बारे में भी बातचीत करते हैं। और उनका ये कहना है कि हिंदी आलोचना की जो राजनीति है, हिंदी साहित्य की जो राजनीति है, उसने सही बात है उस कवि को परिधि में ही रखा। इसके पीछे एक परिवेश यह भी, एक संवेदना यह भी है कि खुद चंद्रकांत देवताले अपनी कविता को लेकर, अपनी कविता की संवेदना को लेकर, अपने कविता के विवेक को लेकर, उसकी रचनात्मकता को लेकर बहुत आग्रह नहीं पालते और इसके चलते वह एक जो कहना ना चाहिए कि स्थानीयता का असर जो होता है और कविता में एक जिसे कहते हैं संवाद धर्मिता जिस तरह से होती है, सत्ता के साथ, स्थानीयताओं के साथ और तमाम सारे संदर्भों के साथ, आलोचना के साथ, शायद चंद्रकांत देवताले उन संदर्भों को बहुत तवज्जो नहीं देते। स्पष्ट है कि इसका असर उनकी कविता के आलोचनात्मक मूल्यांकन पर भी हुआ और उन्हें प्रायः हिंदी समाज की जो मुख्य धर्मी मुख्य आलोचना की जो सड़क जाती है उस सड़क ने उनकी खबर नहीं ली या जो मार्ग जाता है।
ये कुछ विडंबनाएं भी अपनी तरह से हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि कविता के इस रचना पुरुष, एक बड़े रचना पुरुष को हिंदी साहित्य ने अपनी तरह से देखा परखा और उनकी व्याप्ति अपनी तरह से होती है। इस संदर्भों के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं उसको बढ़ाता हूँ इस तरह से कि हम सब जानते हैं कि हिंदी कविता में जो नया प्रस्थान बिंदु समकालीन कविता का जहाँ से जुड़ता है, उसे आप 1975 का समय मानते हैं, लेकिन 1980 का समय सबसे मुफरित समय माना जाता है। बहुत सारी चर्चाएं उस पर की जाती हैं। 1980 एक ऐसा समय है जब हिंदी कविता में अशोक वाजपेयी ने लिखा भी है, जिसमें कविता की वापसी उन्होंने कहा कि नई कविता के बाद जिस तरह से कविता तमाम छोटे छोटे घरानों, छोटे छोटे काव्य आंदोलनों में विकसित हो रही थी, उसको एक नई दिशा नहीं मिल रही थी, जिसमें हम सब जानते हैं कि अकविता, युसवादी कविता, विद्रोही कविता, नई पीढ़ी की कविता, सर्वोदयी कविता, तमाम सारी शमशानी कविता, ऐसे तमाम सारे आंदोलनों का नाम लिया जाता है। इन कविताओं के बीच में एक काव्यधारा अपने को नए तरह से आविष्कृत करती है, प्रस्तुत करती है, वह है प्रगतिशील हिंदी कविता की धारा। और उस प्रगतिशील हिंदी कविता के धारा में अगर बातचीत करें तो उसमें पुरानी पीढ़ी के जो बुजुर्ग कवि हैं वह भी आते हैं, और कुछ दूसरे रास्तों से गुजरते हुए वहां आके उस प्रगतिशील कविता के उस चौराहे पर मिलते हैं, जिसमें नए कवियों की जो नई संवेदना है, जिसमें जीवन को, समाज को देखने का एक नया नजरिया वो लेकर आते हैं, जिसमें पशु पक्षी अपनी तरह से आते हैं, प्रकृति आती है अपनी तरह से, प्रेम अपनी तरह से नया आता है, लोकतंत्र को देखने का एक नया नजरिया वो कविता देती है हमारे सामने, और बहुत कुछ आश्वस्त के साथ, समीक्षा के साथ, प्रतिबद्धता, प्रेम और प्रतिरोध के साथ वो अपनी दस्तक देती है। और इसमें अगर आप देखें तो उसी दौर में जिसमें अरुण कमल अपने नए युवा तेवर के साथ अगर अपनी केवलधार जैसी संग्रह से आते हैं, तो नई कविता के जो दो कवि हैं महत्वपूर्ण, जो अपनी तरह से उस कविता का वितान रचते हुए आगे बढ़ते हैं, उसमें केदारनाथ सिंह जमीन पक रही है और कुंवर नारायण भी अपनी कविताओं को लेकर आते हैं। इन्हीं के बीच में आप देखिए राजेश जोशी अपनी काव्य संग्रह के साथ आते हैं, और दो बुजुर्ग कवियों का नाम जो मैंने लिया, त्रिलोचन ताप के ताए हुए दिन और खिचड़ी विप्लव हमने देखा, ये नागार्जुन अपने संग्रह के साथ आते हैं। आप देखिए कि यहाँ त्रिलोचन नागार्जुन के साथ और इन तमाम कवियों के बीच में चंद्रकांत देवताले उपस्थित होते हैं, जिसमें 1980 में उनका जो संग्रह है लकड़बग्घा हंस रहा है, वह उसके साथ उपस्थित होते हैं। और कहना चाहिए कि यह कविता का एक नया प्रस्थान बिंदु है, जहाँ चंद्रकांत देवताले इन इन समस्त महत्वपूर्ण कवियों के साथ अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज कराते हैं। लेकिन क्या वजह रही कि चंद्रकांत देवताले को प्रायः अकविता का कवि ही मानकर उनको मूल्यांकित किया जाना शुरू किया गया, और प्रायः उसका वो जवाब भी अपनी कविताओं में उस तरह से नहीं देते, अपने गद्य में कविताओं में जवाब देते हैं, अपनी तरह से वो कविता का एक घराना, अपने तरह से कविताएं वो लिखते जाते हैं और उसका विस्तार वो अपनी तरह से करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी टिप्पणियां कही जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं उसके बारे में, लेकिन एक खास चीज ये है कि कविता का जैसे ही हम नाम लेते हैं तो हमारे सामने नाम उभरता है धूमिल का, हमारे सामने चंद्रकांत देवताले का नाम उभरता है, सौमित्र मोहन का नाम उभरता है, तमाम सारे और भी कवि हैं, राजकमल चौधरी का नाम उसमें उभरता है, लेकिन खास जो एक चीज है कि धूमिल को उसके साथ जोड़ा जाता है, उसके साथ जोड़ा जाता है चंद्रकांत देवताले। आपको मैंने बताया था कि धूमिल और रघुवीर सहाय उन्हीं के समकालीन कवि हैं चंद्रकांत देवताले के, और लगभग सगोती कवि हैं, जिनकी कविता अपनी तरह से एक तवज्जो पाती है। उसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं, अगर आप बातचीत करें तो धूमिल की स्थानीयता बनारस केंद्रित रही है, और रघुवीर सहाय कैसे तमाम सारी जगहों से होते हुए केंद्र में जाते हैं, जहां वो अपनी तरह से कविता की संस्कृति रचते हैं। लेकिन इसमें चंद्रकांत देवताले उसी परिधि पर दिखाई देते हैं जहां साहित्य की सांस्कृतिक एक विरासत, जो उसकी जो चहल पहल है या गतिविधियां हैं, वो उनको बहुत सपोर्ट नहीं करती, एक बात तो ये।
और दूसरी चीज वो खुद उसमें बहुत दस्तक नहीं देना चाहते, अपनी तरह से सिर्फ कवि बने रहना चाहते हैं, कवि की तरह वो रचते हैं उन चीजों को, ये आप उनके यहाँ देख सकते हैं चंद्रकांत देवताले के। और चंद्रकांत देवताले के इसी संदर्भ को लेकर जब बातचीत होती है तो जैसे कहा जाता है कि अकविता के का जो पूरा संदर्भ है या अकविता की जो कविताई है उसकी जो संवेदना है उससे वो नहीं उभर पाए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये बात एकांगी होगी, आप पूरे उनकी कविताओं को पढ़ें तो स्पष्ट होगा कि अपने आरंभिक दिनों की कविताओं में भी वह जिस तरह से कविताएं रचते हैं, जिस तरह से कविता के साथ उपस्थित होते हैं, वहां पर आपको बार बार ये लगेगा कि वह कविता के उस खांचे के कवि हैं जो जनधर्मी परंपरा की कविता है। आप उसे प्रगतिशील कविता के व्यापक संदर्भों पे बातचीत करें तो ये कह सकते हैं कि प्रगतिशीलता का जो नया आयाम उभरता है, वो जो बना बनाया जो खांचा था उससे प्रगतिशील कविता आप एक नए मायने अपने लिए व्यक्त करती है। उसमें चंद्रकांत देवताले जैसे कवि, जिसमें धूमिल जैसे कवि, रघुवीर सहाय जैसे कवि और तमाम सारे कवि अपनी अपनी तरह से उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जिसमें केदारनाथ सिंह भी शामिल हैं और ये सारे कवि, क्योंकि इनकी अपनी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, लेकिन एक व्यापक जन सरोकार के चलते, एक वर्गीय दृष्टिकोण के चलते, एक लोकतांत्रिक चेतना के चलते और श्रम सौंदर्य की चेतना के चलते ये अपनी कविता में प्रगतिशीलता को आविष्कृत करते हैं, उसको स्थापित करते हैं और उसके मेयार को विकसित करते हैं। बड़ा उसका उसके उसका उसको विकसित करना, विस्तृत करना और उसके मेयार को और ज्यादा बड़ा बनाना, ये इनकी कविताओं में दिखाई देता है। इसलिए चंद्रकांत देवताले की कविता में आप देखिए तो वह अपनी तरह से अद्वितीय कवि नजर आते हैं। साधारण लोगों की असाधारण कविताएं वो लिखते हैं। साधारण लोग उसमें कहां रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बातचीत करने, रोजमर्रा में जो जद्दोजहद करने वाले व्यक्ति हैं वो सब आते हैं उसमें, मालवा की वो पूरी संस्कृति आती है। खास बात आपको यहाँ पर मैं बता दूं अभी कविता पर उनसे जुड़ते हुए कि जैसे ही संवेदना पर हम बातचीत करते हैं, ये बात स्वीकार करनी चाहिए हमें कि चंद्रकांत देवताले अपनी कविता में वैचारिक प्रतिबद्धताओं से ज्यादा संवेदना की प्रतिबद्धता ज्यादा उनके यहाँ दिखाई देती है। आप ध्यान दें कि मुक्तिबोध उनके प्रिय कवि और उनके मार्गदर्शक रहे हैं, मुक्तिबोध से बहुत कुछ सीखते भी हैं और कई बार मुक्तिबोध के उस सीखने की प्रक्रिया में, अनुसरण करने की प्रक्रिया में चंद्रकांत देवताले ने अपनी कविता में नुकसान भी पाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। मसलन चंद्रकांत देवताले की कविता की खूबसूरती वहां नजर आती है जब रोजमर्रा की जिंदगी के जद्दोजहद को अपनी कविता में उतारते हैं। वो बच्चों पर कविता लिखते हैं, वो स्त्रियों पर कविता लिखते हैं, वह यात्रियों तमाम सारी स्थानीयताओं में संघर्ष करते हुए जन पर कविता लिखते हैं, वहां वो बेहद खूबसूरती से कविता उनकी यथार्थ के साथ रूपायित होती है, संवेदना के साथ रूपायित होती है। लेकिन जैसे ही वो कविता का एक बड़ा कैनवस चुनते हैं जिसमें प्रबंधात्मक या लंबी कविता का वितान जिसे कहा जाता है, लंबी कविता की संवेदना कहा जाता है, वहां पर जब वो हस्तक्षेप करते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि उनसे वह कविता का जो रूप बंध है वह उसको साधने के चक्कर में यथार्थ उनके हाथ से रूपायित कम हो पाता है, तो थोड़ा टूटता भी है, जैसे भूखंड तप रहा है। जैसे कविता अगर आप पढ़ें तो उसी दौर के तमाम सारे कवि, जिसमें पटकथा जैसी कविता है धूमिल की, जिसमें आत्महत्या के विरुद्ध जैसी कविता है रघुवीर सहाय की, जिसमें अंधेरे में कविता है मुक्तिबोध की, असाधवीणा अज्ञे की कविता है, इनके समानांतर अगर उस कविता को देखें तो वह एक कमजोर कविता नजर आती। लेकिन चंद्रकांत देवताले यहाँ जो कमजोर है वहां वो महत्वपूर्ण नहीं हमें नजर आते। हमें देखना चाहिए कि चंद्रकांत देवताले की कविता का विस्तार कहाँ है, कविता की मौलिकता में वो कहाँ सबसे विशिष्ट नजर आते, वो किस तरह से अपने मायने में विरलता है उनकी कविता पे, तो वो हमें देखना चाहिए। मुझे लगता है एक कवि को देखने की यही दृष्टि होनी चाहिए। उनकी कविता में जो सबसे खास बात है वह यह है कि वह आत्म स्वीकृति के साथ, आत्मालोचन और आत्म ईमानदारी के साथ वो चीजों को जिस तरह से व्यक्त करते हैं, वो खास तरीके से चीजों को नहीं व्यक्त करना चाहते हैं, आम तरीके से साधारण जन संवेदना के साथ अपने को भी उसी में पाते हैं। और वहां पर हो सकता है
कला में रूपांतरित होते हुए वो कहीं पर कमजोर दिखाई दे सकती है कविता, लेकिन बेहद ईमानदार कविता है और प्रतिबद्ध कविता है। मसलन उन्होंने मैं कौन खास जैसी कविता में जब वो कहते हैं, यदि मेरी कविता साधारण है तो साधारण लोगों के लिए भी इसमें बुरा क्या, मैं कौन खास। भारतवर्ष की गलियों में जिस तरह गिरते पड़ते, लड़ते झगड़ते, छिपकर बीड़ी फूंकते, गालियां बकते, बड़े होते बच्चे, बड़ा हुआ मैं भी, यह प्रतिबद्धता उनकी कविता में नजर आती है। और लेकिन वह कविता से चाहते क्या हैं, जब वो कहते हैं कि जबड़े जो आदमी के मांस में गड़ा रहे हैं दांत, यदि उन पर चोट होती है कविता, तो मैं कविता का एहसानमंद। आप ध्यान दीजिएगा कि वह उस जन संवेदना और जन सरोकार के साथ खड़े नजर आते हैं। और चंद्रकांत देवताले का जो लोकेल है वो मालवा का लोकेल है। अब उस लोकेल पर बातचीत करते हुए कई बार स्थानीयताओं को हम जब एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो वहां ये नजर आता है, जैसे उनके ऊपर कहा भी जाता है कि चंद्रकांत देवताले की कविता में जो मालवा का उल्लास है, वहां की जो सांस्कृतिक बुनावट है, वहां की जो जिजीविसा है, वह कमतर नजर आती है। लेकिन मुझे लगता है उससे ज्यादा खूबसूरत, उससे ज्यादा यथार्थ वह है जहां पर चंद्रकांत देवताले मालवा की उस संस्कृति को, मालवा के उस संघर्षरत व्यक्तियों को रचते हैं, उस जनसमुदाय को रचते हैं, उन स्त्रियों को रचते हैं जो पति कैसे उनका देह व्यापार खुद करते हैं, उनकी उस त्रासदी, उस ट्रेजेडी को रचते हैं। और अपनी कविता में उस व्यापक जनसंवेदना को वह उस स्थानीयताओं के साथ देखते और परखते हैं। तो ये एक, और इसे रचनात्मक ईमानदारी ही कहा जाए, देखने का एक मौलिक और यथार्थवादी नजरिया हम इसे कह सकते हैं। ये खास बात ये है कि उन्हें, वो अपनी कविता में असमानता के खिलाफ खड़े हैं, गरीबी के खिलाफ वो नजर आते हैं, शोषण के खिलाफ नजर आते हैं। लेकिन यह सही है कि उनकी कविता जैसे धूमिल हैं, जैसे कि राजेश जोशी हैं, जैसे कि अरुण कमल हैं या रघुवीर सहाय हैं, उनके यहाँ कविता जिस तरह से एक बड़ा बड़ा एक आकाश वो बुनते हुए नजर आती है, हो सकता है वह कमतर हो आपको चंद्रकांत देवताले के यहाँ, लेकिन ईमानदारी उसमें बहुत है, उसमें यथार्थ की वह व्यक्तियां बहुत। मुझे लगता है कि कवि और ज्यादा अपनी ईमानदारी को इस तरह से व्यक्त करता है कि कला के संघर्ष में वो कई बार शब्दों का जो चुनाव करता है, वहां यथार्थ को छोड़ देता है वह, और कलात्मक तरीके से उसको अपनी तरह से प्रेजेंट करता है। और एक ऐसे कवि होते हैं जो उस यथार्थ को उसी के धरातल के साथ व्यक्त करते हैं, वहीं खड़े होकर, उसी जमीन पर खड़े होकर, कई बार शब्द उनके साथ साथ छोड़ देते हैं। वह उस बड़बड़ाहट जिसे कहा जाए, आप उसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वह कई बार अव्यक्त को व्यक्त करने की प्रक्रियाओं की जो दशा होती है, जिसमें बहुत सारे शब्द बेतरतीब भी नजर आने लगते हैं। मसलन वह व्यक्ति जो शोषित है, जो संघर्ष करता हुआ व्यक्ति है, उसके पास शब्द कई बार कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन उसकी ईमानदारी, उसकी प्रतिबद्धता, उसकी उसकी जो दृष्टि है, वह बेहद संवेदनशील होती है। और ऐसे में कई जगह आपको चंद्रकांत देवताले मुझे अब उनके समकालीनों से ज्यादा बड़े नजर आते हैं। उनकी अपनी ईमानदारी की वजह से, उनकी कविता की उस काव्य दृष्टि की वजह से वो मुझे बड़े ईमानदार और बड़े कवि नजर आते हैं। और इस तरह से भले उन्हें, उनके यहाँ प्रतिरोध की बड़ी संस्कृति आपको नहीं दिखाई दे, लेकिन प्रतिरोध के छोटे छोटे जो दृश्य आते हैं, जो आम जन के बीच में प्रतिरोध की संस्कृति है, जो आसपास हम देख सकते हैं, वह उनकी कविता में आपको खास तरीके से नजर आता है। आप ध्यान दीजिए, इसीलिए वो जब लिखते हैं, एक उनकी कविता है कि जो सार्थक गुस्सा जिसे हम कह सकते हैं, सीढ़ी पर अटका हुआ आदमी कविता, कि इस धर्म कर्म को मिटाने के लिए कोई कारगर तरकीब सोचो। बात पर पत्थर मारने से गोबर को करुणा में बदलना यदि संभव हो तो कंडे का निर्यात करते हुए हम कितने सुखी होंगे। आप समझ सकते हैं कि इन पंक्तियों से वह यथार्थ को एक नई जमीन देते हैं, हिंदी कविता के यथार्थ को, और उसके साथ वह विशिष्टता के साथ हमारे सामने उपस्थित होते हैं। मुझे विष्णु खरे
उनके जो समकालीन कवि भी हैं, विष्णु खरे ने उन पर बहुत खूबसूरत टिप्पणियां की, टिप्पणी की है, और वो उनको अद्वितीय कवि के रूप में लिखा भी है उन्होंने, हमारे जीवन और समय का अद्वितीय कवि। और वो अद्वितीयता उनको कहाँ नजर आती है, उन्हीं के हवाले से, कि चंद्रकांत व्यापक और प्रतिबद्ध अर्थों में इस देश के इस कठिन समय में अपनी निजी पारिवारिक और सामाजिक जिंदगी, भारतीय समाज के अपने विडंबनात्मक जीवन और उसमें अपनी और किसी प्रकार संघर्ष कर रहे अन्य असंख्य लोगों की तनावपूर्ण जिज्ञासा का कवि है। मानव जीवन के साथ चंद्रकांत की कविता का रिश्ता सुख दुख के संगाति का, जागरूकता तथा केंद्रीयता का है। इसका संदर्भ यह है कि वह अपने निजी जीवन को अपने सामाजिक जीवन के साथ, अपने कवि जीवन के साथ अलग नहीं करते। कई बार ये सत्य है कि कवियों के यहाँ उनका जो निजी पन है वह ढक तुप कर आता है, लेकिन चंद्रकांत देवताले एक ऐसे कवि हैं, एक सूफियाना अंदाज में अलहड़ता के साथ। अब चूंकि मैंने आपसे बताया कि अपनी कविता में, परंपरा में, वो सूफी कवितों कवियों के, खासकर संत कवियों के साथ, जो मराठी संत कविता है या हिंदी की संत कविता है, उसका जो अक्खड़पन है, उसका जो अल्हड़पन है, वो आपको चंद्रकांत देवताले के यहाँ नजर आएगा, जो सत्ता को ठुकराता है, जिससे सत्ता और शासन से कुछ लेना देना नहीं। और वो साहित्य की अपनी सत्ता और राजनीति भी वहां आप जोड़ सकते हैं, कि साहित्य की अपनी चालाकियां और अपनी राजनीति, तो अपनी सत्ताएं होती हैं, उन सत्ताओं से भी बेखबर अपने को रखना चाहते हैं चंद्रकांत देवताले। तो चंद्रकांत देवताले उनसे कोई इस तरह से नहीं, अपनी रचनात्मकता को उनके तई वो तब्दील करें, वो अपनी तरह से जो उनको पसंद है वह लिखते हैं, और जाहिर सी बात है जीवन का विवेक वहीं से वो लेते हैं और वहीं से अपनी कविता का विवेक वो पैदा करते हैं। अब इसमें एक खास मैंने आपसे बताया कि वो बार बार जब उनके यहाँ वर चेतना के संदर्भ में हम बातचीत करते हैं, तो एक अपराध बोध उनकी कविता में बार बार आपको दिखाई गया, और वह अपराध बोध किसके लिए सबसे ज्यादा है, तो स्त्रियों के लिए सबसे ज्यादा है, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा है वह अपराध बोध, हाशिए के समाज के लिए सबसे ज्यादा अपराध बोध है, और उस आदिवासी समाज के लिए, हाशिए के तमाम समाजों के लिए वो बार बार उस अपराध बोध से ग्रस्त हैं, जो उन्हें कैसे उनसे ऊपर के एक समाज के साथ जो जुड़े हुए हैं, वह चाहकर भी अपने को उस समाज के साथ जुड़ नहीं सकते, संवेदना कितनी भी जाहिर करें लेकिन उनके साथ वो खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। अपने खड़े नहीं दिखाई देने का मतलब रचनात्मक रूप से उस अपराध बोध से वह ग्रस्त है, और वो बार बार कहते हैं कि आज तो नजरें चुरा रहा हूँ मित्रों से, छिपा रहा हूँ अपना चेहरा घर में, सड़क पर परिचितों से रास्ता काट रहा हूँ। तो यह जो संदर्भ है, यह बेहद ईमानदारी के साथ सामान्य जन के प्रति एक कवि की अपनी प्रतिबद्धता है, जिसमें जो अर्ध संभ्रांत वर्ग से वह जुड़ा हुआ कवि है, कैसे उस परिवेश के साथ उसका जो गिल्ट है वह कैसे बार बार नजर आता है कविता में। तो चंद्रकांत देवताले की कविता को इन संदर्भों के साथ ज्यादा बेहतर हम समझ सकते हैं। ये तो बात हुई चंद्रकांत देवताले की कविता में उनकी कवि दृष्टि की, उनकी कविताई की, उनको किस संदर्भों में हम देख और परख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी कविता में जब हम प्रवेश करते हैं तो उसका एक नया संसार हमारे सामने खुलता है, और वहां औरतों पर, बच्चों पर, जन संघर्षों पर जो कविताएं मैंने पढ़ी या पढ़ने को मुझे मिली, या उनके संग्रहों में जिस तरह से दर्ज है, वह आपको एक नए संसार की तरफ कविता के ले जाता है, जिसकी तरफ हिंदी आलोचना ने कम निगाह दौड़ाई। और जो मैंने बताया कि उसकी अपनी राजनीति भी हो सकती है, उसकी संकीर्णताएं भी हो सकती हैं, उसकी सीमाएं भी हो सकती हैं, लेकिन अब यहाँ जैसे स्त्री प्रश्न पर आप देखें कि उनकी कविता की सबसे खूबसूरत दो पक्ष हैं, एक कोई स्त्री और बच्चे। स्त्रियों पर जब वो कविता लिखते हैं तो स्त्रियों पर उनकी कविता में मुख्य रूप से कई सारे रूप आते हैं, लेकिन दो तीन रूप तो खास हैं, जैसे एक रूप जिसको चाहते थे लेकिन वह स्त्री उनके जीवन में शायद नहीं दिखाई दे रही है, दूसरी जो साथ में है, जो पत्नी के रूप में साथ में है, और एक एक स्त्री जाति जो
जिसका प्रतिनिधित्व करते हुए कविता में जब उसको रचते हैं, वह बेटी के रूप में, वो माँ के रूप में आती है और उसका विस्तार वो करते करते उसका एक विश्व रूप देते हैं। उसकी उसके संघर्ष, उसका प्रेम, उसकी उदात्तता, उसका औरत स्त्रीपन जिसे कहते हैं, उसके बारे में जब वो रचते हैं तो हिंदी कविता में वह सबसे ऊंचे पायदान पर हमें नजर आते हैं। औरत के लिए बहुत सारी कविताएं लोगों ने रची हैं, औरत स्त्रियों पर बहुत सारे कवियों ने रचा है, मैं इसमें शामिल करता हूँ खुद स्त्री कवियों को भी। लेकिन चंद्रकांत देवताले जब उस कविता में अपने उसको दर्ज करते हैं तो बड़ा कैनवस उनकी कविता में दिखाई देता है। मसलन लकड़बग्गा हंस रहा है में औरत नाम की कविता उनकी स्त्री संबंधी कविताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली कविता है। यहाँ स्त्री कैसे उन्हें एक, जो मैंने बताया कि उसको एक एक बड़े सार्वकालिक तरीके से, सार्वदेशिक तरीके से प्रकृति के साथ, श्रम के साथ, संघर्ष के साथ, प्रेम के साथ, उसकी संवेदना के साथ, उसकी अपनी आइडेंटिटी के साथ उसको रचते हैं। एक बड़ा बोध औरत का वो कविता में कैसे दिखाते हैं। कविता की पंक्तियां हैं, औरत नाम से ही शीर्षक से कविता है कि वह औरत आकाश और पृथ्वी के आकाश और पृथ्वी के बीच कब से कपड़े पछीट रही है, पछीट रही है शताब्दियों से, धूप के तार पर सुखा रही है वह औरत आकाश और धूप और हवा में, वंचित गुप्त गुफा में कितना आटा गूंथ रही है, गूंथ रही है मानो मनों से राटा, असंख्य रोटियां सूरज की पीठ पर पका रही है। एक औरत का धड़ भीड़ में भटक रहा है, उसके हाथ अपना चेहरा ढूंढ रहे हैं, उसके पांव जाने कब से सबसे अपना पता पूछ रहे हैं। इस कविता में आपको औरत स्त्री सभ्यता का पूरा इतिहास पंक्ति दर पंक्ति नजर आता है, और सिर्फ भारतीय स्त्री का नहीं, वैश्विक स्त्री का और विशेष संदर्भ में भारतीय स्त्री का, कि कैसे एक संदर्भ जो हजारों साल से स्त्री सभ्यता में स्त्री की उपस्थिति किस तरह से है और स्त्री का दर्जा क्या है, उनके दोनों पक्ष को कैसे कविता में कवि उतारता है और इसके साथ वो जोड़ता है। आप ध्यान दीजिए, इसी श्रृंखला में वो स्त्री के साथ नाम की कविता है जिसमें जब वह कहते हैं कि फिर भी सिर्फ एक औरत को समझने के लिए हजार साल की जिंदगी चाहिए मुझको, क्योंकि औरत सिर्फ भाप या बसंत ही नहीं है, एक सिंफनी भी है समूचे ब्रह्मांड की, जिसका दूध डूब पर दौड़ते हुए बच्चों में खरगोश की तरह कुलाचे भरता है, और एक कंदरा भी है किसी अज्ञात इलाके में जिसमें उसकी शोक मग्न परछाई दर्पण पर आई गर्द को रगड़ती रहती है। ये संदर्भ आप देख सकते हैं उनकी कविता में, और इस उनके संदर्भों के साथ जब वह बातचीत करते हैं कि औरत को जानना, उसके साथ उसकी पूरी संस्कृति को जानना सामान्य बात नहीं है, उसके लिए आपके पास व्यापक मानवीय दृष्टि होनी चाहिए, एक व्यापक साभ्यतिक दृष्टि आपके पास होनी चाहिए, तब जाके उस औरत पर आप बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि माँ पर जब वो कविता लिखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं सूरज पर कविता लिख सकता हूँ, मैं चांद को गिटार की तरह बजा सकता हूँ, लेकिन मैं माँ पर कविता नहीं लिख सकता। तो अपने आप माँ की व्याप्ति संवेदना, जो माँ की संवेदना है या माँ की व्याप्ति है हमारे पूरे सभ्यता और संस्कृति में, उसको बहुत खूबसूरती से बरसते हैं और लिखते हैं कि माँ ने हर चीज के छिलके उतारे मेरे लिए, देह आत्मा आग और पानी तक के छिलके उतारे, और मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया। मैंने धरती पर कविता लिखी है, चंद्रमा को गिटार में बदला है, समुद्र को शेर की तरह आकाश के पिंजरे में खड़ा कर दिया। सूरज पर कभी भी कविता लिख दूंगा, माँ पर नहीं लिख सकता कविता। ये पंक्तियां मुझे लगता है कि उनके समकालीनों पर, समकालीन कवियों के यहाँ अगर आप जाइए तो एक स्त्री की संवेदना को उसके पूरे रिश्तों के साथ, उसके ओहदे के साथ, उसके उसकी संवेदना के साथ इतनी उदात्तता के साथ, हाँ उतनी ही जमीनी तरीके से, उसी उतनी ही इंद्रियता के साथ, उतनी ही प्रतिबद्धता और संवेदना के साथ
शायद उनके समकालीन कवियों ने कमतर रचा है, ये नहीं कि नहीं रचा है, लेकिन वहां चंद्रकांत देवताले मुझे बड़े कवि के रूप में नजर आते हैं। इसी तरह चंद्रकांत देवताले बच्चों पर जब कविताएं लिखते हैं, आप खुद देखिए, खासकर बेटियों पर जब वो कविता लिखते हैं, बेहद मर्मस्पर्शी कविताएं। और वो बच्चों पर कविता लिखते हुए एक कविता उनकी है कि एक स्त्री, आदिवासी स्त्री है, बच्चे को अपने गोद में लिए हुए है, बस पर यात्रा कर रही, उसी बस में कवि भी यात्रा कर रहा है, और उसकी बच्ची को वो अपने गोद में बैठाता है और उसके माथे को चूमता है, उसके माथे की गंध से उसे अपनी बेटी के की महक आती है। और वहां जब वह इन सब चीजों को रचते हैं तो उनकी काव्य दृष्टि की व्यापकता और गहराई का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि उसका माथा सूंघते हुए मुझे लगा यही है बेटी की गंध, और मैं याद करते हुए न जाने क्या क्या भूल गया सब कुछ, और मेरे भीतर आदमी के कलेजे की जगह धड़कने लगा बाप का दिल। फिर यही सोचकर दुख हुआ मुझे कि बच्चों को शायद ही मिली होगी मुझसे बाप की गंध, मैं क्या करता, मेरी पोशाक ही ऐसी थी। आप ध्यान रखिएगा, पोशाक, अपने पहनावे, अपने पूरे ढब रंग के बारे में बात वो कवि करता है, और ये कहता है कि मैं बहुत जुड़ने के बावजूद मैं कैसे इनके साथ जुड़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन उसको याद क्या चीजें आती हैं कि उस बच्ची में वो अपनी बच्ची का चेहरा देखते हैं, और वो बाप होने का जो बोध है, पिता होने का जो बोध है, वो खास बहुत खूबसूरती से उन्होंने अपनी कविताओं में आप देखिए कि उनके संग्रहों में इस पर आपको अनगिनत कविताएं मिलेंगी। और जब बेटियों पर वो लिखते हैं, एक पिता का पुत्री के साथ जो संबंध है, और उसके उसके लिए जो बिंब वो बनाते हैं, जो जो दृश्य वो चित्र ले आते हैं, वो चित्र ऐसा नहीं है कि बहुत वायवीय तरीके से, कोई यथार्थ के साथ, रोजमर्रा की जिंदगी के वाक्यों के साथ, शब्दों के साथ वो उसको रचते हैं। और एक बेटी के बाप की संवेदना, स्त्री संवेदना को वहां पर इस तरह से पकड़ते हैं, उन रिश्तों की संवेदना को, जो मैंने बताया कि पारिवारिक रिश्तों में मुझे लगता है समकालीन कवियों में जैसे कि निराला ने अपनी तरह से रचा, लेकिन चंद्रकांत देवताले अपनी तरह से समकालीनता के परिदृश्य में अपने को कैसे उपस्थित करते हैं, और उसमें वो जब बेटी पर कविता लिखते हैं, पिता पर उसके संबंध पर कविता लिखते हैं, तो वह हिंदी कविता के कैनवस को बड़ा करता है। बेटी के घर से लौटना उनकी कविता है, उसे पढ़ना जरूरी होगा यहाँ पे, कि बहुत जरूरी है पहुंचना, सामान बांधते बमुश्किल, कहता पिता, बेटी जिद करती, एक दिन और रुक जाओ न पापा, एक दिन, पिता के वजूद को जैसे आसमान में चाटती कोई सूखी खुरदरी जबान, सदियों से बेटियां रोकती होंगी पिता को, एक दिन और एक दिन डूब जाता होगा पिता का जहाज। आप देखते हैं कि ये कविताएं सिर्फ भावुक कर देने वाली कविताएं नहीं, इन कविताओं में आपको पूरी सभ्यता का एक विमर्श दिखाई देगा। इसमें पारिवारिक रिश्तों का ताना बाना, उसकी संवेदना और पिता की संवेदना, बच्चों के साथ उनके रिश्ते, और एक एक दृष्टिकोण के साथ वह हिंदी कविता में ये जो दस्तक है चंद्रकांत देवताले की, वो खास है। बच्चों पर राजेश जोशी ने भी कविताएं लिखी हैं, बड़ी खूबसूरत कविताएं, और भी कवियों ने लिखी हैं, लेकिन आप देखें कि थोड़े से बच्चे और बाकी बच्चे, जो एक दृष्टिकोण है, जो खाए पिए घर के बच्चे हैं, जो वंचित समाज के बच्चे हैं, उन पर कविता लिखते हुए चंद्रकांत देवताले बच्चों की, बच्चों के भविष्य को लेकर इस तरह से बातचीत करते हैं, बच्चों का भविष्य होना कैसे चाहिए और बच्चे इस संस्कृति और समाज से चाहते क्या है, इस पर जब वो रचते हैं तो उनकी कविता में आपको एक जन संवेदना, जन पक्षधर छवि और एक एक बड़ा कविमन आपको नजर आता है। थोड़े से बच्चे और बाकी बच्चे शीर्षक से उनकी कविता है कि थोड़े से बच्चों के लिए एक बागीचा है, उनके पांव धूप पर दौड़ रहे हैं, असंख्य बच्चों के लिए कीचड़ धूल और गंदगी से पटी गलियां हैं जिनमें वे अपना भविष्य बीन रहे हैं, पर वे शायद अभी जानते नहीं वे पृथ्वी के बाशिंदे हैं करोड़ों, और उनके पास आवाजों का महासागर है जो छोटे से गुब्बारे की तरह फोड़ सकता है किसी भी वक्त अंधेरे के सबसे बड़े
बोगते को। आप ध्यान दीजिए कि इस तरह की कविताएं जब वह अपनी कविता में रचते हैं बच्चों पर, बेटियों पर या स्त्रियों पर, तो मुझे लगता है चंद्रकांत देवताले की कविता को एक नए सिरे से हमें पढ़ना चाहिए। कविता का एक नया समाज शास्त्र हमारे सामने खुलता है जो भारतीय परिवार, भारतीय समाज, भारतीय रिश्तों और उस परिवार के साथ जुड़ते हुए उसके सामने वह रूपायित होता है। ये शिकायत चंद्रकांत देवताले की कविता में कई सारे आलोचकों ने की है कि उनकी कविता में जो वर्गीय दृष्टिकोण है, जो जन पक्षधरता है, वैचारिक प्रतिरोध है, वो कमतर नजर आता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो उसको देखें तो खुद राजेश जोशी ने उन पर एक व्यापकता से लिखा है और वो खुद उनको कहते हैं कि उनकी कविता में कैसे समाज का सजीव चित्र नजर आता है, क्योंकि वो उनकी कविता में यथार्थ के रूपायन होने की कमी के बारे में भी बात करते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि अपने समकालीनों में जो यथार्थ है, जो समाज का सजीव चित्र है, वो ज्यादा खास नजर आता है, सजीव नजर आता है। फिर जिसे प्रतिरोध और गुस्सा कहते हैं वो भी खूब है उनकी कविता में, चंद्रकांत देवताले की कविता में। कुछ एक कविताओं के उदाहरण से वो बात अपने आप स्पष्ट होती है। फिर मैं बातचीत के अंतिम हिस्से में आके उनकी कविता के मूल्यांकन को कि उनकी कविता का मूल्यांकन हम किस दृष्टिकोण से करें, उसका प्राप्य क्या है, उसका वैशिष्ट क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दो तीन छोटी छोटी कविताएं, जैसे मेरी किस्मत में यही अच्छा रहा कि आग और गुस्से ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, और मैंने उन लोगों पर कभी यकीन नहीं किया जो घृणित युद्ध में शामिल हैं और सुभाषितों से रौंद रहे हैं अजन्मी और नन्ही खुशियों को। तो ये हमारे 20वीं सदी और 21वीं सदी दोनों से संवाद करती हुई कविता है, और कविता की पक्षधरता उसकी उसके बारे में भी ये बातचीत हो रही है। मुझे लगता है शायद किसी का माइक खुला हुआ है, कुछ आवाज इंटरप्ट हो रही है। अजिता जी का माइक खुला हुआ है जी, तो ये इसका दिखाएं। हाँ जी, तो मैं दूसरी कविता इसी तरह से है कि और मैं अपने लोगों की तरफ दौड़ता हूँ, सोचते हुए जुगान से बढ़कर इस वक्त कोई बड़ी ताकत नहीं है। और एक बड़ी खूबसूरत सी कविता है जनता का दुख और उसके संवेदनाओं से जुड़ते हुए, वो शमशेर के साथ जुड़ती है वो कविता। वो लिखते हैं भवन शानदार, आवाज अच्छी गूंज रही है, शमशेर कविया पढ़ रहे हैं और राजाओं के बीच खींचमतान मची है। कुर्सियों को लेकर मैं चीख कर कहता हूँ शमशेर जी से, बंद कर दीजिए कविता पढ़ना, शमशेर जी बंद कर दीजिए तुरंत। मतलब ये कवि की पक्षधरता है कि वह जन संवेदना के साथ खड़ा है और उस सत्ता और शासन जो कुर्सियों की लड़ाई जिनमें होती है उनके खिलाफ यह कविता जाती है। इस तरह से बहुत सारी कविताएं उनकी आपके सामने नजर आएंगी जहां वो अपनी तरह से कविता में प्रतिबद्ध नजर आते हैं, और कविता में एक खास तरीके से लोकतंत्र और बुद्धिजीवियों के बारे में, बौद्धिक जो संवाद है जिसे कहते हैं, लोकतंत्र की जो समीक्षा है उनकी कविता में, वो भी आपको भरपूर उसके चित्र आपको दिखाई देंगे। बस मैं अपनी इस बात 5 मिनट में समाप्त करूंगा, 5 मिनट में मैं अपनी बात ले जा रहा हूं कि निष्कर्ष रूप में प्रतिबद्धता आपको यहाँ दिखाई देगी बुद्धि। और उसपे प्रश्नांकित कैसे करते हैं, तो जब वो लिखते हैं कि सलाखें चुभो रहा है वर्तमान, सजा दे रहा है इतिहास, पर सारे दिन कहीं कुछ नहीं हुआ, नाटक पर गिरा पर्दा मंजूर, दांत कुरीदते बैठे रहे पत्रकार बुद्धिजीवी प्रोफेसर, विचारों की जूझ झाड़ते किसी ने नहीं कहा, सब मंजूर, खींच लो मुंह का भी कौर। और इसी तरह से जो लोग भाषा का सर्वस्व तबाह करने पर आमादा हैं वे ही तो हमारी संस्कृति के रक्षक हैं, और वे समझते हैं करोड़ों लोगों को आदमी कहलाने का हक उनके टुच्चेपन से ही मिलता है। आप समझ सकते हैं इससे ज्यादा बेबाक पंक्तियां क्या हो सकती हैं कवि की, तो जो पूरे उस सत्ता की संस्कृति, उसकी शोषणकारी संस्कृति पर इस तरह से बेबाकी से कविता वो कैसे लिखते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे संदर्भ मेरे पास हैं लेकिन मैं उनको छोड़ता हूँ कि कैसे वो कविता में उनकी प्रतिबद्धताएं कैसे नजर आती हैं, वो कविता में किस तरह से उपस्थित होते हैं।
एक कुल्हाड़ी नाम की कविता है, उसका जिक्र करना जरूरी है। उनकी प्रतिबद्धता, उनकी जन संवेदना के लिए एक खूबसूरत उदाहरण है यह कविता, कि जिसमें जब वो लिखते हैं कि मैं 40 बरस पहले पहले की अपनी प्री कुल्हाड़ी की याद में डूबने लगता हूँ, जिससे चीरा करता था ईंधन के लिए धावड़े के ढूंढ, अब इन्हें कैसे बताऊं उस कुल्हाड़ी के बारे में, पर मैं जैसे एहसान मंद उनका बैठा रह जाता, याद करते हत्था उस कुल्हाड़ी का, जिसे चमकाने चिकना सुंदर बनाने में एक बार कितने खुरदरे गट्ठेदार हो गए मेरे हाथ। और ये खुद वो श्रम सौंदर्य के बारे में बातचीत करते हैं, उस संवेदना के बारे में बातचीत करते हैं, और वह अपनी एक प्रतिबद्धता जो जाहिर करते हैं उसके साथ, तो ये खास उनकी कविता में नजर आता है। बस मैं अंतिम जो महत्वपूर्ण बात है चंद्रकांत देवताले की कविता में, वो आपके सामने शेयर कर दूं कि चंद्रकांत देवताले एक 6 दशक में फैला हुआ काव्य संसार उनका है। उसके बीच में उनकी कविता को हो सकता है तमाम सारे घरानों के बीच में देखा गया हो, उसके साथ जोड़ा गया हो, लेकिन मुझे लगता है कि अकविता के कवि के रूप में उसके मुहावरे के साथ जोड़ना, और किसी भी कवि की कविता को संकीर्ण करता है जब किसी मुहावरे में आप उसको देखते। कविता, जैसे कि मैंने आपसे बहुत सारी कविताओं से बातचीत की, इन कविताओं में आप देखेंगे व्यापक जन सरोकार, व्यापक जन संवेदना, स्थानीयताओं की ईमानदार अभिव्यक्ति, और इन सब के बीच में एक प्रतिबद्ध कवि अपने रिश्तों में, खासकर औरतों और बच्चों के लिए जिस तरह से उन्होंने कविताएं लिखी हैं, और सभ्यता के साथ संवाद करते हुए उनके साथ उनको कैसे खड़ा किया है, उन्होंने वहां पर उपस्थित किया है, और जो प्रतीक वो जिस तरह से लेते हैं, वो ये कहते हैं कि अपने स्थानीयताओं से ही उसको लेते हैं, अपने बचपन में जिस तरह से चीजों को देखा उन्होंने, बाद के दिनों में देखा, और उसका प्रतीक वो जिस तरह से लेते हैं, वो हमारे उनके समय भी जिस तरह वो सार्थक था, हमारे समय में ही है। हमारी भयावह जो संस्कृति है, जो पूंजीवादी संस्कृति है, जो नई सभ्यता है, मशीनी सभ्यता जिसे कह सकते हैं, क्रूर सभ्यता जिसे कह सकते हैं, उसमें वो मनुष्य के पक्ष में, बच्चों के पक्ष में, स्त्रियों के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, प्रकृति के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, और शिनाख्त करने की कोशिश करते हैं कि लकड़बग्घा सिर्फ अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में भी हंस रहा है, और उसको जानना जरूरी है। मैं उन्हीं की उस कविता से अपनी बात समाप्त करता हूँ, और उनकी उस प्रतिबद्ध जनधर्मी दृष्टि को सलाम भी करता हूँ कि फिर से तपते हुए दिनों की शुरुआत, हवा में अजीब सी गंध है, और डोमों की चिता अभी भी दहक रही है, वे कह रहे हैं एक माह का मुफ्त राशन मृतकों के परिवार को, और लकड़बग्घा हंस रहा है। ये कविता, और मैं फिर से खड़ा हूँ इस अंधेरी रात की नब्ज को थामे हुए, कह रहा हूँ ये तीमारदार नहीं हत्यारे हैं, और वह आवाज खाने की मेज पर बच्चों की नहीं लकड़बग्घे की हंसी है, सुनो यह दहशत तो है लेकिन चुनौती भी, लकड़बग्घा हंस रहा है। चंद्रकांत देवताले की कविता हमें इस जो लकड़बग्घी का प्रतीक है, जो जो दानवी प्रतीक है, जो पिशाच और राक्षसी प्रतीक है, जो शोषणकारी प्रतीक है, उसको शिनाख्त करने की ताकत देती है। वो बच्चों से प्रेम करने की संवेदना हमारे अंदर पैदा करती है। वो औरतों को सिर्फ औरत की तरह नहीं, एक बड़े सभ्यता के प्रतिनिधित्व करने वाली के तरह कैसे वो प्रस्तुत करते हैं, और रोजमर्रा की जिंदगी में, जीवन में जो छोटे छोटे प्रेम के संदर्भ हैं, उसके साथ वो हमारे सामने कैसे नजर आते हैं। और उनकी कविता में जो बहुत सारे प्रतीक आते हैं, उसमें आग, रोशनी, आप देखें इसके साथ साथ तमाम सारे संदर्भ वो कविता में कैसे ले आते हैं, और पत्थर उनकी कविता में विशेष रूप से अपने उस पूरेपन के साथ उपस्थित है, जिसके सीने में आग है और उसकी रोशनी है, हाँ जरूरत है उस आग को रगड़ कर आविष्कृत करने की, और वह आग संवेदना की भी है, प्रतिरोध की भी है, और प्रेम की भी है। बहुत सारे संदर्भ उनकी कविता में ऐसे उपस्थित हैं। चूंकि बड़ा व्यापक काव्य संसार है, तो मैंने कुछ बातें बिखरी हुई सी आपके सामने रखी। अगर कुछ सवाल आपके होंगे और कुछ बात आपको करनी होगी, तो आप सबका स्वागत है। बहुत शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए, और अपने प्रिय कवि पर संवाद करने के लिए।